अमृत उत्सव का मतलब है कि लूटो। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे। और सबसे बड़ा घोटाला अभी का तिरंगा घोटाला हुआ। मैं आपको राज की इच्छा दिखाई दूँ, मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता किसी सरकार की, लेकिन मुझे करना पड़ जाता है। अच्छा, फोन में क्या दिखा रहे हैं? मैं उधर अच्छा एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब दूध जो है ये लोग दूध के पैकेट में तिरंगा बनवा दिए, तिरंगा का अमृत उत्सव दिखाए हैं। अभी वो डस्टबिन में जाएगा, नालियों में जाएगा, पैर के नीचे आएगा। ये देखिए, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये साथ। ओह माय गॉड, खादी का तिरंगा नहीं बनेगा? खादी हिंदुस्तान की पहचान, खादी पहचान हो गई थी हिंदुस्तान की। वो महान नेता जो खादी पहन के देश में, वही ये तिरंगा घोटाला भी निकलेगा। कहा है कि खादी पीएम केयर फंड का कितना पैसा है बताइए आप? कोई अगर विधवा है तो उसको आप इस तरह कहेंगे विधवा? आप ममता बनर्जी कहते ओ दीदी, ओ दीदी, तब अपमान नहीं तो अरे मैं मोदी की बात करता, प्रधानमंत्री के बाद बीच में आ जाते हैं। अच्छा, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जहाँ हो वहाँ वहाँ बोलो, और जितनी बार हो झूठ बोलो, वही तो प्रधानमंत्री का भी सम्मान करेंगे, हम भगवे का भी सम्मान करेंगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, और हम सनातनी है में गर्व। कोई अगर विधवा है तो उसको आप इस तरह कहेंगे विधवा? आप ममता बनर्जी कहते ओ दीदी, ओ दीदी, तब अपमान नहीं तो पीएम केयर फंड का कितना पैसा है बताइए आप? है, और सबसे बड़ा घोटाला अभी का तिरंगा घोटाला हुआ, क्योंकि चाइना से तिरंगा भरपूर। जांच करवाइए, तिरंगा घोटाला भी निकलेगा। मैं देश के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि एक भी तिरंगा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तिरंगा शहीदों की निशानी है, और तिरंगा ही आपको एक रखेगा। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कलर मत लगाइएगा, तिरंगा इस देश की शान है। एक तिरंगा घर पे ना गिरने पाए, कोई गरीब आदमी उस दिन भूखा ना सोए, कोई गरीब आदमी उस दिन भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार कोई फांसी ना लगाए, वो उस दिन हम आज़ादी का अमृत उत्सव मनाएंगे। जो 75 साल में पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मोहम्मद भाई, कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी है। इसीलिए बार बार नहीं से पूछता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही है ना। कितने दिन बाकी है? 3 दिन बाकी। हम लोग फॉर्म भरा है ना? हाँ, लेकिन नहीं मिला है। तो हम लोग का मकान नहीं है, झंडा है। अब झंडा कहाँ लगा? खोपड़े में लगा ले, लगाए खोपड़े में झंडा? हम बेशर्मो, कहाँ लगाए झंडा? हम खड़ पर लगाएंगे? जब मकान ही नहीं है तो झंडा कहाँ लगाएंगे? जब मकान नहीं दिए हो तो मोहम्मद भाई, मकान है आपके पास? नहीं है। कायम लगाओगे? और जो मकान मालिक है वो भाजपा का आदमी है, वो कह रहा है कि भगवा लगाओ नहीं तो मार देंगे जान से। इनके यहाँ हुआ है पूछ लो? पूरे बच्चों पे हमला हुआ है, एफआईआर कराई है मैंने। इन्होंने तिरंगा लगाया, तिरंगा लगाया तो कह रहा भगवा लगाओ नहीं जान से मार देंगे। एफआईआर कर, चौकी में एफआईआर कराई है। शास्त्री परक थाना है अपने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में। अच्छा, अब बताओ, अब ये कह रहा, अभी बताओ इसको। महिला से भी मेरे प्रधानमंत्री ने कहा भगवा लगाओ, मोहम्मद समीर ने भगवा लगा दिया, अब उसके परिवार पे हमला हो रहा है। आप बताओ, हम प्रधानमंत्री को माने या भाजपा कार्यकर्ता को माने? आप बताओ,